माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे जानवर पसंद आया, लेकिन यार ये बहुत छोटा है, कद में भी थोड़ा छोटा लग रहा है। फाइनली सलमान भाई ने डन कर लिए हैं जानवर, इनमें से ये जानवर बने हुए हैं, छोटे छोटे लिए हैं ये माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, तो क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग हम कर रहे हैं शुरू एक नए शहर से। तो बस अब ये स्टेशन से पहुंचते कराची से हम रहीम यार खान आ चुके हैं, और किस लिए आए ये भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और बस अभी ज़रा ख्वारी हो रही है हमारी, अद्दा फैजान भाई सलमान भाई, हम तीनों अभी जा रहे हैं पैदल पैदल, क्योंकि हम जिस गाड़ी में आ रहे थे अभी रास्ते में खराब हो गई थी, या फिर उसकी शायद CNG वगैरह खत्म हो गई थी। तो अब ये स्टेशन पर आए हैं, फ्यूल स्टेशन है यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे कोई सवारी अगर मिल जाती है तो इसके अंदर ही बैठ के अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। बड़े दूर से पैदल चल के आ रहे हैं अभी, देखते हैं यहाँ पे चिंजी खड़ा हुआ है, इसके अंदर क्या तस्वीर क्या बैठने को मिलता है, इसके अंदर ही फिर बैठ के निकलते हैं हम लोग। अभी ये सलमान भाई बात कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, कितने मांग लेकिन यार ये अभी हमने लोकेशन जाते रहे हैं। बोल कितने रहे, कितने बोल रहे हैं, 600 रुपए, 600 का खर्चा है। हम रक्शे में जा रहे हैं, उसने 500 रुपए हमसे लिए थे, आधा रास्ता तो उसने क्लियर कर दिया हमारा, 600 दे देना आ जाए, तो 500 रुपए उसने मांगे थे हमसे, आधा रास्ता क्लियर कर दिया, 400 रुपए दे देना, 500 देना है, 400 ठीक है, 400 सुनो मेरी बात, 100 रुपए हिला सुनो, तो सही हमने रक्षा कराया था, ये तो थली चौकड़ी है, कौन सा आगे ले आए। फाइनली अपने डेस्टिनेशन पहुंच गए थे, और आप लोग को थंबनेल देख के अंदाजा हो ही गया होगा कि मैं कहां पर आया हूं। ये हर तरफ देखो जानवर ही जानवर है, ये भाई जा रहे हैं जानवर बोलते हैं, हम जानवर बोलते हैं, और ये भाई फैजान बोलते हैं जानवर। हाँ भाई जानवर देख लिया, अभी तो जानवर दिख रहे हैं, गजब बेइज्जती है, अभी जानवर देखेंगे, अभी जानवर दिख रहे हैं और जानवर अभी देखेंगे थोड़ी देर में। और आपको पता है कि जब पहुंचते हैं तो सलमान भाई को सबसे पहले एक ही चीज लगती है, समझ तो गए होंगे क्या बात कर रहा हूँ, कहना क्या चाहते हो, बस वो करने गए हैं, फ्री होकर आते हैं, तो उसके बाद मंडी को देखते हैं क्या यहाँ पे सीन है, क्या सौदे बन रहे हैं, और आपको भी चेक करवा देंगे कि क्या क्या यहाँ पे माल है और क्या क्या चीज़ है। अभी तो स्टार्टिंग में सारी बकरा मंडी लगी है, और हम लोग को देखनी है गाय मंडी, तो उसके लिए हमें वो बैक साइड जाना पड़ेगा, मौसम भी जैसा VIP हो रहा है, तो सलमान भाई भी आ रहे हैं, चलो फ्री हो गए, वो भी फ्री होकर आ गए, बस आप लोग निकलते हैं अपने जहाँ पे हमें काम है उस काम के लिए हम निकलते हैं डायरेक्ट, और देखते हैं अगर बकरा शकर ही पसंद आ गया तो वो भी एक दो ले लेंगे इंशाल्लाह। आ गए भाई, आ गए सलमान भाई को, भाई एक पसंद आया है, देखते हैं कौन सा पसंद आया है इसमें से, ये सारे खड़े में, असल में ये अभी चल रही है प्री प्लानिंग चल रही है, ये लेके इसको हम पालेंगे तकरीबन 2 से 3 साल तक के, और उसमें से देखते हैं ये कौन सा पसंद आता है, कौन सा लेते हैं। उसके अलावा मैं आपको एक जानवर दिखाता हूँ, मतलब बड़ा ही खूबसूरत है ये, देखकर बाल वगैरह ये बड़ा हो गया तैयार होगा तो माशाल्लाह, ये ऑस्ट्रेलियन बड़ा ही खूबसूरत है। बाकी इसके अलावा आप मुझे अपने लिए भी जानवर देखना है, पहले सलमान भाई वगैरह देख लें अपने जानवर पसंद कर लें, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमें कौन सा पसंद आता है। वो पीछे एक बैक साइड पे खड़ा है, मुझे वहाँ पे समझ में आया, देखते हैं पहले यहाँ से फिर हो जाए। ये अद्दा बात कर रहे हैं जानवरों से, कोई पसंद आया सलमान भाई को, अगर हुआ तो पूरे लाइट ले लेंगे, वरना तो एक दो जानवर इसमें कोई उठा लेंगे 2-3 साल के लिए, जो मतलब पलने वाले होंगे इंशाल्लाह, फिर उसको 2-3 साल बाद रख के सेल आउट करेंगे और कुर्बानी के लिए करेंगे। मुझे बाकी एक जानवर पसंद आया, यहाँ पर सलमान भाई बात कर लें, फिर उसके बाद मैं चल के अपने वहाँ पर बात करता हूँ कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। यार सलमान भाई की तो बात बन नहीं रही है, सामने देखे 4 बच्चे खड़े हुए माशाल्लाह से, देखे 4 बच्चे कितने खूबसूरत हैं, 1, 2, 3, 4, ये अपने फाइनल का अटका हुआ, लेकिन हमने भी थोड़ा कम करके लगाना, मतलब कम से मुराद सही लगा दी है, जो हमारी रेंज थी
और बाकी इसके अलावा आप एक चीज़ चेक करें, माशाल्लाह खूबसूरती ये देखें, अल्लाह की शान देखें, कुदरत देखें बस, आ हा 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 क्या चीज़ है यार, क्या चीज़, खूबसूरती चेक करें बस, ख़त्म है एंड एंजॉय खूबसूरती चेक करें बस। अभी बस ये निकालते हैं, फिर इसकी बात करते हैं कि क्या इनके मोल दे रहे हैं, क्या रेट ले रहे हैं, फिर उसके बाद समझ में आते हैं इनके रेट तो उनके परचेस करते हैं। देखो इनकी माँ भी इनके साथ खड़ी है यार, माशाल्लाह से आउट क्लास बच्चे हैं, नुकर एकदम फुल, अल्लाह नज़र से बचाए इनको, बस ये उतार लें फिर उसके बाद चेक करते हैं क्या रेट है। चलो उनकी अनलोडिंग की उनकी वीडियो बनाते हैं यार, आज फर्स्ट टाइम इन बच्चों की भी अनलोडिंग की वीडियो बना के चेक करते हैं किस तरीके से उतारते हैं इनको, आराम से उतारने यार उसको, क्या खूबसूरती है, माशाल्लाह वाकई खूबसूरती है एंड यार, एंड खूबसूरती माशाल्लाह। तीसरा जम बार फाइनली सलमान भाई ने डन कर लिए हैं जानवर, इनमें से ये जानवर बने हुए हैं, छोटे छोटे लिए हैं ये माशाल्लाह, भी ये 2 साल पलाए वाले जानवर हैं, ये बहुत सब खूबसूरत है माशाल्लाह, 2 साल पलाई के हैं ये, अभी 2 साल लगेंगे इनको पलने में, तो फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या सूरत निकल के आती है माशाल्लाह, खूबसूरत तो बहुत है, फिर उसके अलावा और बाकी नसीब की बात है कि किस तरीके से बनेंगे। आप मेरी बारी है कि मुझे क्या पसंद आता है, मुझे चाहिए ऐसी चीज़ वाइट, ये किसी की फरमाइश है समझ लो, अब बाकी आप लोग सारे समझदार हो ठीक है ना, ये तो नहीं लेना क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन है इससे तो बिल्कुल मतलब हट के चल रहा है, और बाकी देखते हैं कौन कौन से जानवर है, मेरे सामने एक बच्चियाँ खड़ी हुई है ये, और अभी सलमान भाई जा रहे हैं तो और ज़्यादा अच्छे से पता चल गया है कौन सा मैं जानवर ले रहा हूँ, ये भाई खड़े हैं कराची से हैं, ये भी जोहर से, तो देखते हैं कि इनसे ही सौदा बना है हमारा इन सब जानवरों का, बाकी नसीब की बात है और कौन सा सौदा बनता है। अभी सलमान भाई वगैरह गए हैं और 2-4 जानवर देखने के लिए, उसके बाद देखते हैं और क्या समझ में आता है। मुझे जानवर पसंद आया लेकिन यार ये बहुत छोटा है, कद में भी थोड़ा छोटा लग रहा है, बाकी देखते हैं, मुझे चाहिए थोड़ा बड़ा जानवर, ये कद काद में छोटा लेकिन खूबसूरत बहुत है माशाल्लाह, खूबसूरती में नो डाउट बहुत अच्छा है, ये वाइट वाला जो बीच में खड़ा हुआ है, अब बाकी देखते हैं आगे क्या सीन बनता है, कौन सा पसंद आता है ठीक है ना। मेरा इरादा है एकदम वाइट, जैसे ये वाइट है इस तरीके से लेने का, लेकिन अब नसीब में हुआ तो इंशाल्लाह देखते हैं। सलमान भाई अभी वहीं पर ही खड़े हैं, बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या बात बनती है उनकी। माशाल्लाह से 3 जानवर और डन कर दिए, एक ये खड़े हुआ चोलिस्तानी, माशाल्लाह चोलिस्तानी ब्रीड, एक ये रहा, एक वो है, एक ये 3 अभी कंजोड़ से लाए हैं, बाकी एक नन्नू ये रहा, एक ये रहा, एक वो रहा, 1, 2, 3 और एक वो खड़ा हुआ 4, ये माशाल्लाह से 7 ये डन हो गए, तो खूबसूरत ब्रीड है इंशाल्लाह, जब ये बनेंगे वो भी दिखाएंगे यार। जैसा कि आपने देखा कि अभी बस थोड़ी देर हुई है फ्री हुए पे हम लोगों को, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, टाइम भी काफ़ी हो गया था, सलमान भाई ने तो सारे जानवर पसंद कर लिए थे और मुझे जानवर पसंद नहीं आया, सलमान भाई ने जानवर पसंद करे दिखाए, मैंने आपको आपने देखे होंगे थोड़ी देर पहले छोटे छोटे जानवर लिए, वो इंशाल्लाह पलाए किए हैं, वो अगले से मतलब 2 साल बाद के लिए लिए हैं, अब वो पलने के लिए जाएँगे फिर उसके बाद देखेंगे वो क्या रंग लाते हैं, और अदरवाइज़ उसके अलावा मुझे जानवर पसंद नहीं आया अभी, और कल परसों रमज़ान भी है, पहला रोज़ा भी है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से परचेज़ करूँगा जानवर, कराची से करना पड़ेगा या फिर रमज़ान के बाद जाना पड़ेगा, कुछ पता नहीं है, हो सकता है कि मैं रमज़ान में एक दफ़ा फिर चल जाऊँ, कहीं निकल जाऊँ मंडी अपने कराची में, बहुत सारे लगते हैं भैंस कॉलोनी में बावल अपना क्या बोलते हैं उसको मलेर की साइड पर, वहाँ पर अगर पसंद आ गया तो वहीं से कोई जानवर उठा के ले आएँगे, लेकिन बस बैड लक के रो के समझ नहीं आया, समझ भी आया लेकिन रेट उनके तो काफ़ी हाई थे, मेरी रेंज से बाहर थे जो बातें, बस मेरी जो रेंज थी उस रेंज में मुझे मिला नहीं, कोई बात नहीं इंशाल्लाह बाद में ले लेंगे, अभी पूरे 2-3 महीने पड़े हुए, भूख वगैरह लग रही थी, खाना वगैरह भी खा लिया, बस सामने देखें ट्रेन हमें मिल नहीं रही है, ये ट्रेन की टाइमिंग हो गई सारी आउट, रात की ट्रेन है, तो हमने सोचा कोई डायबो वगैरह में चले जाते हैं, पूरे पीछे देखें डायबो का ये पूरा सब बना हुआ है स्टेशन वगैरह जो है, अब देखते हैं यहाँ पे हमें कोई अगर बस वगैरह मिलती है टर्मिनल से तो उसमें चलेंगे, वरना लास्ट ऑप्शन में कार खड़ी है उसके अंदर जाएंगे, देखते हैं क्या चांस लेते हैं,
क्या हमारे नसीब में, एक जगह तो नसीब ख़राब हो गया, कोई जानवर नहीं मिला, अब यहाँ पे देखते हैं क्या नसीब है। अब चलते नीचे, खाना वगैरह भी खा लिया, ज़रा फ्रेश होना आया था मैं ऊपर, फ्रेश वगैरह भी होकर मैं आपको दिखाता हूँ कि यार विलेज लाइफ कैसी होती है, ये चेक करें आप लोग। हर तरफ बस यार ईंटों के घर, इतने बड़े बड़े घर बने हुए सब ईंटों के, सब जगह ईंटों के लाल, मतलब ये यहाँ पे मैं खड़ा हूँ इवन के ये भी लाल ईंटों के, सब जगह देखें लाल ईंटे, लाल ईंटे जितने ही बड़े बड़े जहाँ तक के भी नज़र जा रही है सब जगह ईंटों के घर हैं। क्योंकि भाई बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन है, सोच रहे हैं कि यार फ्यूचर में यहीं पर कोई ज़मीन ले कर डाल दूँ, यहीं पर अपना फार्म खोल लें गाय वगैरह के लिए, अपनी यहीं पर यहीं से लिया और यहीं पर दे दिया पलने के लिए। बस अभी नीचे चलते जल्दी से, कोई गाड़ी वाड़ी का इंतज़ाम करते हैं और देर हो रही है काफ़ी निकलना भी, और कराची ही पहुँचना, फिर आपको पता है आपके भैया काम भी होते हैं सारे, शॉप वगैरह के काम भी है वो भी निपटाने, तो चलते हैं गाड़ी के अंदर मिलेंगे या फिर डायरेक्ट घर भी मिलेंगे। यार बस जानवर शानवर लेके फ्री हो गए थे, जैसे आपने देखा अभी हम लोग चिंची में बैठ के स्टेशन पे पहुंच चुके हैं रहीम यार खान के, ये देखें रहीम यार खान के स्टेशन पे आ गए हैं। तो बस यहाँ से आप कराची वाली करेंगे, कराची के लिए निकलने की करेंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ पर आए तो पता चला कि कोई ट्रेन नहीं है। सबसे बड़ी गलती यार हम लोग से ये हो गई कि हमने यहाँ पर रिटर्न टिकट नहीं करवाया था कराची से, ये करना भूल गए थे, तो इस वजह से हमारी बड़ी ख्वारी हो रही है। अभी 3:15 हो रहे हैं और ट्रेन आनी है कोई 5:30 बजे, अभी तकरीबन 2-2.5 घंटे हम लोग को यहाँ पे इंतज़ार करना है। ट्रेन आएगी तो उसके अंदर बैठ के जाएंगे, और सबसे मज़े की बात कि हम लोग को मिले ओपन टिकट, ना कोई सीट अवेलेबल है, ना कोई बर्थ, ना एसी पॉलर में है, ना बिजनेस क्लास में है, किसी में भी कोई भी मतलब बर्थ वगैरह ना सीट वगैरह कुछ भी नहीं, क्योंकि संडे है तो सारी कह रहे हैं बात हुई है TCR से के कह रहा है कि सब फुल है आज, चलो कोई बात नहीं ओपन टिकट ही दे दो, ओपन टिकट ले ली आप, बस यहाँ से निकलना ही करेंगे जब ट्रेन आएगी। काफ़ी थकान हो गई है, सुबह से घूम रहे पागलों की तरह, तो वो लोग भी सलमान भाई लोग भी वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मैं भी उन लोग के साथ जाके बैठता हूँ, थोड़ा गप्पे शप्पे मारते हैं। इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, आप कल मिलेंगे या फिर बाद में मिलेंगे काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि टाइम नहीं मिलता शॉप की वजह से मुझे, इसलिए व्लॉग्स नहीं बना पा रहा हूँ। इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, इंशाल्लाह थोड़े टाइम बाद मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, जब तक के लिए आपका मेरे साथ यहीं का था, अल्लाह हाफिज़।